जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। ये मस्त रहो, ये जीवन मानव देह मस्ती के लिए मिला है। चार गाली मिले मुस्कुरा के चल दिए, वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें मन में थोड़ा कम आती लेते। धर्म पर चलने वाले को समस्या आ सकती है, पर धर्म के चलने वाले को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये बात समझ। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती है, इंसान होती है। तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन भी लड़की है, ध्यान रखना। जिससे प्रेम करो, जिससे शादी करो, वैसा ही सलूक करना जो चाहते हो तुम्हारी बहन के साथ भी हो। अपने को निराश हताश उदास मत होने दो, कैसी भी परिस्थिति आवे प्रभु की तरफ देखो। जिसने एक मिनट नहीं एक पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिया, वो जिस दिन चाहेगा मुझे धनी बना देगा, जिस दिन चाहेगा वो सुख की बौछार कर देगा। अरे प्रभु मैं तेरे सहारे हूँ, किसी और की तरफ नहीं देख सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं दर दर भटकूं तो तुम्हारा नाम लूंगा और दर दर भटकूंगा, लेकिन भरोसा केवल तुम्हारा ही रखूंगा। वो जीत जाएगा पक्का जीत। तो जीवन में कितने भी तूफान आ जाए तुम धैर्य मत खोना, एक दिन ऐसा आएगा कि संकट मुड़कर वापस चला जाएगा। भी जो इग्नोर करके गया है, शकल शकल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शकल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। अपनी जिंदगी में तुम जहां हो उसी में हंसी खोजना प्रारंभ कर दो, उसी में अच्छा देखना प्रारंभ कर दो, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे।